भदोही के खेतलपुर गांव में चरी के खेत में 13 सितंबर को एक युवक की हत्या कर शव फेंका गया था। पुलिस ने इस घटना का 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 6 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यानंद ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। खमरिया नगर के वार्ड नंबर 7 अकबरपुर निवासी शिव प्रकाश प्रजापति की हत्या कर शव को चरी के खेत में फेंक दिया गया था। घटना 13 सितंबर की है। इस मामले में परिजनों द्वारा अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्याना ने घटनास्थल का निरीक्षण कर तत्काल गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया था। पुलिस ने इस मामले में छानबीन करते हुए औराई थाना क्षेत्र के 6 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो हत्या की वजह सामने आई। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि एक लड़की से सभी लोग बात करते थे, इसी को लेकर कहा सुनी हुई थी। इसके बाद शिव प्रकाश को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया गया। योजना के तहत शिव प्रकाश को बुलाया और शराब पिलाई गई। जब वह काफी नशे में हो गया तो रस्सी से गला घोट कर मार डाला। पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी ने बताया कि प्रेम प्रसंग को लेकर घटना कारित की गई है। इस मामले में 6 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी की उम्र 13 से 15 साल तक की है। ये औराई थाना क्षेत्र में एक किशोर की हत्या हुई थी, क्या है पूरा मामला और क्या इसमें खुलासा हुआ? देखिए, दिनांक 13 तारीख को शुक्रवार के दिन सुबह सुबह सूचना मिली थी कि एक बालक की डेड बॉडी खेत पे पड़ी है। सूचना पर तत्काल SHO, CO, एडिशनल SP एवं मेरे द्वारा मौके का मुआयना किया गया। FSL टीम को बुलाया गया और बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हर बिंदु पे उसमें जांच की गई और सर्विलांस की मदद से और पूछताछ की मदद से थाना और आई की पुलिस ने और हमारे CO ने लग करके इस घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण किया है। इस घटना में बेसिकली प्रेम प्रसंग की बात आई है। प्रेम प्रसंग के कारण जो मृतका की मां ने इन अभियुक्त गणों को, जो कि सारे बाल अपचारी हैं इसलिए यहां मौजूद नहीं है और उनका नाम लिया जाना उचित नहीं है, उन्होंने ही इस घटना को करने का प्लान बनाया था। और मृतक को खेत में सरकारी ट्यूबवेल के पास जो खेत था वहाँ बुलाया था और शराब इन सभी ने पी थी और उसको ज़्यादा नशे में हो गया तो एक रस्सी से उसका गला स्ट्रैंगुलेट किया है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी इसकी पुष्टि हुई है। प्रेम प्रसंग को लेकर क्या ऐसी बातें हुई कि जिसकी वजह से हत्या करनी पड़ी? प्रेम प्रसंग में ये लड़की जो है एक से बात करती थी, दूसरे से भी बात करती थी, इसलिए इसमें जो एक अभियुक्त है उसने ये प्लान बनाया क्योंकि वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था। अच्छा, जो आरोपी हैं इनकी उम्र क्या है? देखिए, ये सभी उसी गांव के रहने वाले हैं, आसपास के गांव के रहने वाले हैं, थाना क्षेत्र औराई के ही हैं और इनकी उम्र, एक की उम्र 13 साल भी है, एक की उम्र, किसी की उम्र 15 साल 16 साल है, सभी बाल अपचारी हैं।